हेलो एवरीवन, आम का सीजन चल रहा है और गर्मी का मौसम भी है और ऐसे में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना हम सभी को बेहद ही पसंद है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही सुपर सॉफ्ट, मजेदार, सरल और सटीक मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। इसे बनाने के लिए ना ही हमें घंटों गैस जलाने की आवश्यकता है और ना ही किसी खास सामान की। बहुत ही कम सामान में ये बनकर झटपट तैयार हो जाती है। तो जब भी आपका आइसक्रीम खाने का मन हो तो आप फटाफट से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम वाला अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। आप आइसक्रीम ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतने में हमारी 1 लीटर आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो यह हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाती है, इसीलिए हमने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस पाउच को खोल लेंगे और डायरेक्ट हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार इसे शेक कर लें और थोड़ी देर के लिए इसे आप ठंडा होने के लिए फ्रिज में जरूर रखें। और इस ठंडी ठंडी क्रीम को हम हल्का सा चर्न कर लेंगे, सिर्फ 4-5 बार पल्स मोड पर ही इसे घुमाएंगे और यह इस तरह से झागदार हो जाएगी। आप चाहें तो हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर में हमारा काम आसान हो जाएगा और फटाफट से आइसक्रीम बन जाएगी। अब इसके अंदर हमने 1 कप मैंगो पल्प ले लिया है। आम आप यहाँ पर मीठा ही इस्तेमाल करें। अगर आम खट्टा है या खट्टा मीठा है तो उसे स्किप कर लें, इससे आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो आप ध्यान रखें कि फुल पका हुआ मीठा आम ही लें और उसको आप मिक्सर में पीस कर इस तरह से प्योरे बना लें और 1 कप प्योरे इसमें डाल लें। और अब हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। तो इसे हमने आधा कप लिया है। मिल्क पाउडर डालने से आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी क्रीमी बनती है और टेस्टी भी बनती है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, लेकिन या तो आप मिल्क पाउडर लें या कंडेंस मिल्क, इन दोनों में से एक ही चीज़ लेंगे। तो हमने क्योंकि कंडेंस मिल्क नहीं लिया है तो आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप पिसी हुई चीनी इसमें डाल ली है। और इन सभी चीज़ों को हमने आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके चर्न कर लिया है और यह इस तरह का फ्रौदी झागदार मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका आम ज़्यादा मीठा है तो आप चीनी उस हिसाब से डालें। तो आपको यहाँ पर चखना पड़ेगा कि आइसक्रीम कितनी मीठी हुई है, क्योंकि हर आम की क्वालिटी और उसका मीठापन अलग अलग होता है। तो बस अब हमें और कुछ भी नहीं करना है, ना तो हमें इसमें कलर डालना है, ना ही किसी तरह का एसेंस डालना है और ना ही हमें इन्हें गैस चलाकर पकाने की कोई ज़रूरत है। बस फटाफट से आइसक्रीम का बेस या मिक्सचर तैयार हो चुका है और इसे सेट करने के लिए हमने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया और सारा मिक्सचर उसके अंदर डाल के इस तरह से फैला लेंगे ताकि ऊपर की लेयर इवन हो जाए। आप चाहें तो ऊपर से कटे हुए आम से गार्निश कर सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। और इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में हम इसे सेट कर लेंगे, क्योंकि आज हमने फ्रेश क्रीम से आइसक्रीम बनाई है। अगर आप ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ घर की मलाई यूज़ करके किस तरह से मैंगो आइसक्रीम बनाएं ये जानना चाहें तो हमारे चैनल पर इसकी भी रेसिपी अपलोड की हुई है, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। अब जब भी हम कभी घर में आइसक्रीम बनाते हैं तो ऊपर से आइस क्रिस्टल आ जाते हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने इसे ऊपर से क्लिंग रैप से इस तरह से कवर कर लिया है और आइसक्रीम के ऊपर हम इसे टच करते हुए इस तरह से पैक करेंगे ताकि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल ना जमे। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल या फिर सिंपल कोई भी पॉलीथीन होती है उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने अपने चैनल पर कई तरह के आइसक्रीम्स पहले से अपलोड कर रखी है, जिसमें से सिंपल वनीला आइसक्रीम से लेकर कई तरह की फैंसी आइसक्रीम्स, चॉकलेट आइसक्रीम्स, राजभोग आइसक्रीम, काजू द्राक्ष आइसक्रीम, कसाटा आइसक्रीम, बनाना आइसक्रीम, और इवन यहाँ पर अगर आप वीगन हैं, अगर आप दूध और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनके लिए भी वीगन आइसक्रीम और भी कई तरह की आइसक्रीम जिसमें ना तो कोई फैंसी आइटम ना ही कोई खास सामान की ज़रूरत हो, ऐसी आइसक्रीम और बिना किसी क्रीम, बिना किसी दूध, इस तरह की भी आइसक्रीम हमने बना रखी है। तो आप हमारे चैनल की आइसक्रीम प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से आइसक्रीम बना सकते हैं। अब इस कंटेनर को हमने अच्छी तरह से पैक कर लिया है और इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे लगभग 7 से 8 घंटे तक, या फिर आप सारी रात के लिए भी इसे रख सकते हैं। हमने इसे 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख लिया था और अब हम इसका रैप हटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं।
तो जब भी आप आइसक्रीम सर्व करते हैं तो उससे 2-3 मिनट पहले आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल लें और फिर उसके बाद उसे सर्व करें, ताकि आपको उसे स्कूप आउट करने में आसानी हो जाए। और अगर आपके पास इस तरह का स्कूपर नहीं है तो आप सिंपल कोई भी गोल चम्मच आता है उससे भी स्कूप आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसे चंक्स में काट कर भी सर्व कर सकते हैं। तो जैसी आपकी चॉइस है आप उस हिसाब से इसे सर्व कर लें। तो आप देख पा रहे हैं कि आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट स्मूथ बनी है और बिना किसी आइस क्रिस्टल के। तो देखा आपने किस तरह से हमने बिना गैस चलाए, बिना किसी खास सामान के, सिंपल सी चीज़ों से इतनी सॉफ्ट मज़ेदार आइसक्रीम तैयार कर ली है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ एक आइस क्रिस्टल हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, जब हम आइसक्रीम सर्व करेंगे तो 1-2 मिनट के बाद यह नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि हमने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हो सकता है थोड़े बहुत आइस क्रिस्टल्स इसमें आए, लेकिन वह 1-2 मिनट में ही चले जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, एक बात और, हमारे चैनल पर ठंडाई का प्रीमिक्स और मटका कुल्फी के प्रीमिक्स की रेसिपी है, जिसे तैयार करके आप फटाफट से ठंडाई और मटका कुल्फी तैयार कर सकते हैं। और बच्चों की फेवरेट मैंगो जेली की रेसिपी भी हमारे चैनल पर है, तो आप उन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। और रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें।